हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डेली फोकस न्यूज़ में। और यहाँ पर हम बिहार से एक खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, बिहार के 10 महीने के बच्चे की जान बचाने के लिए उसके माता पिता राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक से मदद की अपील कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में 10 माह का अयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है। उनके माता पिता अपने बेटे के इलाज के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अपील की है कि वे 16 करोड़ रुपए की लागत वाले इंजेक्शन के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने में मदद करें। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी के लक्षण के साथ जन्म लेने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए अयांश के पिता मुख्यमंत्री के जनता दरबार का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई मदद की खबर नहीं आई है। कोरोना के समय में लाखों बेरोजगार और गरीब लोगों के मसीहा बने एक्टर सोनू सूद से भी लोग इस बच्चे की जान को बचाने की मदद मांग रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने सोनू से 16 करोड़ की इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। माता पिता के अनुसार जन्म के 2 महीने बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। शुरू में उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनका बच्चा एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और उन्होंने पटना में कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अयांश के माता पिता ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए लोगों से मदद मांगी है। उनके पिता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अयांश सिंह के नाम से खाता भी खुलवाया है। छोटे से बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इस खाते पर मदद कर जो भी राशि चाहे वह भेज सकते हैं। और इस तरह से इस बच्चे के नाम बहुत सारे लोग पैसे जमा कर रहे हैं। जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से इस बच्चे की मदद कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस छोटे से अयांश की मदद जरूर कीजिए। क्या पता आपकी एक मदद से इस बच्चे की जान बच जाए।